वेलकम बैक नाज़रीन जी, हम बात कर रहे थे कि चौधरी निसार पे, कि उन्होंने कहा कि उन पे उनमें बहुत ज्यादा बचपना है। अभी क्या फाइनल हुआ है? अब तो इलेक्शन सर पे आया, कुछ फाइनल किया इन्होंने? देखिए, चौधरी निसार साहब की जो बात है वो मैंने तो हमेशा उनके हवाले से मैं यही कहता रहा कि मैं बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं मैं उनकी बात को सेकंड करता हूँ। ठीक है कि चौधरी साहब बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करना शुरू कर देते हैं, जितने वो मेच्योर पॉलिटिशियन होने चाहिए उतने हैं नहीं। आपने कहा था वो होने क्रेडिबल हैं, और क्रेडिबल हैं, नो डाउट क्रेडिबल हैं, लेकिन एक सियासतदान आप एक छोटी छोटी बातों पे बच्चों की तरह रूठ के बैठ जाए तो ये भी कोई तरीका नहीं होता ना। या तो डिसीजन करें ना कि ठीक है यार मैंने नहीं चलना पीएमएलएन के साथ, मतलब या इधर मेरी नई जिंदगी है, मेरी नई सियासत है, मेरा नई सियासी करियर है, उसको लेके मैंने चलना है, इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना क्लियर करो। ये क्या आपने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा हुआ है? ठीक है कि पिछले कोई एक साल से क्या, बल्कि पिछले पांच सालों से आप में ये मसला हो रहा है। 2014 में पहली दफा नाराजगी हुई थी, ये उस दिन जनरल अमजद शुएब साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में बताया था कि 2014 के धरने में जो उससे पहले जो चौधरी निसार की जो है वो नाराजगी हुई थी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से, आज भी वो इशू वैसे ही चल रहा है। तो ये क्या आप सोखनों की तरह हरकतें कर रहे हो और आवाम को आपने बेवकूफ बनाया हुआ है? या तो आप कहें, मर्द बने, आप कहें भाई ठीक है मैंने नहीं लड़ना इलेक्शन पीएमएलएन के टिकट से, मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी है, या आप कहें कि जी मैं पीटीआई से लड़ूंगा, आप अनाउंस कर दे भाई। अब तो देखो कल नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने हैं और अभी तक आप लोगों को जो है वो इस तरह शो कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं लोगों की हमदर्दियां, और इस तरह लोगों की हमदर्दियां नहीं बल्कि लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं। अब जब आप हलकों में बैठते हैं ना, लोगों से डिस्कशन करते हैं, तो लोग भी अब यही कहते हैं यार पता नहीं चौधरी साहब क्या कर रहे हैं, पता छोड़ो यार उसकी बात ही नहीं है, एक दिन कुछ कहता है अगले दिन कुछ कहता है। ठीक है, तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो आप खराब कर रहे होते हैं जब आप बार बार इस तरह के, वो अगेन बात वही है कि आप भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, जैसे इमरान खान साहब ने डिसीजन वो नहीं ले पा रहे थे, इसी तरह आप भी डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मैंने जाना कि तरह क्या, मुझे पीएमएलएन के साथ मैं रहूं तो लोग मुझे वोट ज्यादा देंगे या आजाद जाना चाहिए या पीटीआई। और पीटीआई में मैं ये आपको एडवांस बता रहा हूं कि जो पीटीआई वाले बड़े खुश हो रहे हैं ना कि अगर चौधरी निसार साहब हमारी तरफ आ जाते हैं, एक दिन भी दूरी बात है, मतलब एक हफ्ता भी दूर की बात है। मैं कहता हूँ एक मीटिंग इमरान खान और चौधरी निसार की कंप्लीट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दोनों एरोगेंट हैं, दोनों रिजिड हैं, और जब आप दोनों ही इस लेवल के लोग होते हैं आप एक पॉइंट पे आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक, देखें एक हफ्ता एक महीना तो दूर की बात, चले लोग कर्टसी में ये कह दें, मैं समझता हूं कि एक मीटिंग भी इनकी पूरी जो है ना वो इकट्ठे बैठ के नहीं हो सकती। ठीक है, एक एक पॉइंट पे ये इकट्ठे नहीं हो सकते। रीजन ये है कि चौधरी निसार की अपनी ईगो है और इमरान खान साहब की अपनी ईगो है। चौधरी साहब अगर नून लीग के साथ नहीं चल सके ना, क्योंकि नून लीग ने देखें फिर भी इज्जत बहुत ज्यादा दी है चौधरी साहब को, चौधरी निसार अली खान को जितनी रिस्पेक्ट नून लीग ने दी है, जितने नखरे नून लीग ने चौधरी निसार अली खान के उठाए हैं, पीटीआई में उनके नखरे कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि पीटीआई में पढ़े लिखे लोग हैं, पीटीआई में लोग शायद वो लोगों की पर वो लोगों की पूजा जो है वो कम करते हैं और थोड़े से नजरियात को और इन चीजों को ज्यादा देखते हैं। तो वो जो इस तरह की चीजें हैं उसको चौधरी साहब फिर कैसे फेस करेंगे अगर पीटीआई में जाते हैं तो? और अगर आप आजाद जाते हैं तो पिछली दफा आप आजाद इलेक्शन लड़े दो हल्कों से, दोनों से आप हार गए, तो आपकी क्रेडिबिलिटी तो ये है कि अगर आप अकेले इलेक्शन आज भी लड़ते हैं तो आप इलेक्शन हार जाते हैं। तो इसलिए बेहतर मेरे ख्याल से ये है कि उनको एक फैसला कर लेना चाहिए कि क्या मुझे पीएमएलएन में रहना है, क्या मुझे पीटीआई में जाना है, क्या मुझे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहिए, जो भी है वो उनको फैसला करना चाहिए, क्योंकि अब मेरे ख्याल से वो वक्त आ चुका है। और लोग जो हैं वो भी ये कह रहे हैं यार इसने क्या मजाक बनाई है, क्योंकि हर वक्त पिछले इतने अरसे से कभी क्या में नहीं होते, तो 6-7 महीने बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से भी थाले से निकलता कुछ नहीं है। मैं ये करने लगा हूं, आज मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन वो क्या कर दूंगा भाई आज तक लोगों को नहीं पता चला आपने करना क्या है। ये एक्चुअली वही वाली बात है कि मेरे सीने में बहुत ज्यादा राज है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। तो भाई बताए ना, लोगों को पता हो ना, अगर आप अपने आप को अवामी लीडर कहते हैं, अगर आप अपने आप को ये समझते हैं कि लोग आप लोगों के नुमाइंदे हैं, तो फिर लोगों के सामने वो बातें रखें। जो नवाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं कि जी मेरे सीने में बहुत सारे राज हैं जो मैं निकालना चाह रहा हूं, तो नवाज शरीफ साहब वो रखे ना वो बातें, निकाले ना। अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं अवामी लीडर हूं, मैं अवाम का नुमाइंदा हूं, मैं वोटर का नुमाइंदा हूं,
तो उस वोटर को बताएं ना कि कौन से सीने में आपके राज हैं, जो आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं वो आप निकालें राज, पर लोगों को बताएं कि ये मेरे सीने में राज हैं। खुदा ना खास्ता क्या आपके मुल्क में ऐसे ऐसी हरकत हुई है कि जो आपके लिए ऐसे आपके सीने में राज हैं। पाकिस्तान की कभी आपने फौज को बदनाम करना होता है, कभी आपने अदलिया को बदनाम करना होता है, हालांकि जितनी कुर्बानियां हमारी फौज ने दी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पुरअमन पाकिस्तान में रहते हैं, इतनी इसी तरह जुडिशरी के लिए जो लोगों ने एफर्ट्स की, आई वॉज पार्ट ऑफ जुडिशियल मूवमेंट, ठीक है, कि जितनी लोगों ने एफर्ट्स की उस सारी सिचुएशन को, और जब जब जुडिशरी की वो मूवमेंट चल रही थी तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब भी गुजरांवाला से निकले थे और उन्होंने अपना सीट बचाने के लिए हीरो बन के निकले थे। अब जब वो सीट आपकी बच गई है तो आज वो अदलिया आपके लिए गलत हो गई है, आज वो फौज आपके लिए गलत हो गई है। जब आप वज़ीर-ए-आज़म बन के रहे, जब आप इस मुल्क को हर लेवल से इसके इसकी जो लग्जरीज हैं वो एंजॉय करते रहे, तो उस वक्त आपको ये मुल्क जो है वो ठीक लगता था, और अब आप जब आप पे बारी आई है तो आप इतनी जल्दी हार मान गए। सियासतदान जो है वो कम अज कम इतनी जल्दी हार नहीं मानता, उसको हालात का मुकाबला करना पड़ता है, उसको कभी वो इकतदार में है कभी वो नहीं है, ये तो कहते हैं ना आने जानी चीज है, आज है कल नहीं है, तो अगर है तो तब भी, अब ये नहीं है कि नहीं है तो आप मुल्क को खुदा ना खास्ता उसकी सालमियत को जो है वो दांव पे लगा दें, क्योंकि आप इस मुल्क के इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म थे, आप इस मुल्क में तीन दफा इस मुल्क में आपने इक्तदार इंजॉय किया, आपके पास इस मुल्क की बड़े बड़े राज हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, क्योंकि जाहिर है कि आप सबसे बड़ी पोजीशन में चीफ एग्जीक्यूटिव आप रहे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अब आप ये धमकियां देना शुरू कर दें कि मैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव क्योंकि रहा हूं तो मुझे इस मुल्क ने इज्जत दी हुई थी, मुझे सारा कुछ दिया हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों के सामने जनाब मैं राज खोल दूंगा, तो मैं ये कर दूंगा, तो मैं वो कर दूंगा, इसके बजाय बेहतर है कि आप अपनी पोलिटिकल जो नैरेटिव है उसको बेचें, बजाय इसके कि आप इस तरह के इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके लोगों की सिंपथीज लें और कल वही जो सिंपथीज हैं वो आपके मुल्क के लिए नुकसानदेह हो। आप देखें इनकी स्टेटमेंट्स के बाद और फिर जनरल असद दौरानी ने जो हरकत की उसके बाद हमारा हमसाया मुल्क जो है वो किस तरह हमें देख रहा है, अमेरिका की तरफ से हमें कितने प्रेशर आ रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी देखे हमारे साथ क्या करना चाह रही है, ये सारा का सारी जो है ना ये इन्हीं के किए धरे पे जाता है कि हमारी फौज या हमारी बाकी जो इदारे हैं वो एक साइड पे चीजों को कवर अप कर रहे होते हैं, ठीक कर रहे होते हैं, और ये उसको खराब करके आ जाते हैं। शुक्रिया। सो नाज़रीन, नेशनल सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट, अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।